हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया हुआ है? इफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स जेड आर इन एपी, ये एपी में है तीनों, ठीक है। ये तीनों अगर एपी में हैं तो अपने को ये इक्वेशन प्रूफ करके दिखानी है, वाई स्क्वेयर एक्स प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस टू वाई माइनस ब्रैकेट में वन माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इजकल टू जीरो। ये अपने प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो तो आपको पता है ये तीनों केस में दिए हुए एपी में, तो एपी का रूल आपको याद होना चाहिए। क्या होता है एपी का रूल? होता है टू बी इजकल टू ए प्लस सी, यानी बीच वाले का डबल इजकल टू होता है ये ए प्लस सी, ठीक है। अब देखो टू जब आ जाए तो टू टेन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दो इकट्ठे आए तो उसका फॉर्मूला लगाना है, वाई को जेड मान लेना बस, ठीक है। तो ये देखो दो फॉर्मूले लिखे भी हुए हैं, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, तो उधर टू टेन इनवर्स वाई था, फॉर्मूला लगा दिया टू टेन इनवर्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वेयर, और इधर टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड था तो टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड। तो ये हो जाते हैं कैंसिल, मतलब कैंसिल आपको शो नहीं करना, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बच गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू वाई को कर दो इससे और एक्स प्लस जेड को कर दो इससे, ठीक है। तो टू वाई वैसे का वैसे, इसको सारों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू वन एक्स, एक्स इंटू वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर, जेड इंटू वन जेड, जेड इंटू वाई स्क्वेयर जेड, ठीक है। ये वैसे का वैसे, ये सारे पार्ट इधर ले आओ, ठीक है। अब आप देख रहे होगे ये वैसे का वैसे, इसमें और इसमें वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बाकी बचा अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।